धन्यवाद ईशु। स्तोत्र संहिता 91, जो परात्पराच्या गुप्तस्थली वसतो तो सर्व समर्थाच्या सावलीत राहील। परमेश्वराला मी माझा आश्रय माझा दुर्ग असे म्हणतो, तोच माझा देव त्याचवर मी भाव ठेवतो, कारण तो पारध्याच्या पाशापासून घातक मरीपासून तुझा बचाव करेल। तो तुझ्यावर पाखर घालील, त्याच्या पंखाखाली तुला आश्रय मिळेल, त्याचे सत्य तुला ढाल व कवच आहे। रात्रीच्या समयीचे भय, दिवसा सुटणारा बाण, काळोखात फिरणारी मरी, भर दुपारी नाश करणारी पटकी, याची तुला भीती वाटणार नाही। तुझ्या बाजूस सहस्रावधी पडले, तुझ्या उजव्या हातास लक्षावधी पडले, तरी ती तुला भिडणार नाही। मात्र तुझ्या डोळ्यांना ती दिसेल आणि दुर्जनांना प्राप्त होणारे प्रतिफल तुझ्या दृष्टीस पडेल, कारण परमेश्वर माझा आश्रय आहे असे म्हणून तू परात्पराला निवासस्थान केले आहेस। म्हणून कोणतेही अरिष्ट तुझ्यावर येणार नाही, कोणताही व्याधी तुझ्या तंबूजवळ येणार नाही, कारण तुझ्या सर्व मार्गात तुझे रक्षण करण्यासाठी तुझ्याविषयी तो आपल्या दिव्यदूतांना आज्ञा देईल। आमेन, आमेन, आमेन। थँक्यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश, धन्यवाद राजा। हो माझ्या देवा, मी तुला धन्यवाद देते, स्तुती करते, आभार मानते माझ्या देव बाप्पा। हो माझ्या देव बाप्पा, हे वचन मी तुझ्या नावात आशीर्वादित बोलते माझ्या परमेश्वर देव बाप्पा। होणारी आराधना मी तुझ्या हातात देते माझ्या देव बाप्पा, कारण तू राजांचा राजा आहेस, तू प्रभूंचा प्रभू आहेस। धन्यवाद माझ्या राजा, मी तुमचा वेळ तुझ्या हातात देते, असं येशूच्या नावात मागते म्हणून ताईक माझ्या देव बाप्पा। आमेन। धन्यवाद माझ्या राजा, धन्यवाद राजा, तू राजांचा राजा आहेस माझ्या देव बाप्पा, तू प्रभूंचा प्रभू आहेस माझ्या जिवंत देवा। तुझ्या नावाला उंचावते, तुझी महिमा करते, तुझी प्रशंसा करते माझ्या पिता। धन्यवाद राजा, थँक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह, तू ही राजा है, तू ही राजा है। प्रभु यीशु मसीह, यीशु जीवंत परमेश्वर या ठिकाणी उपस्थित आहे। हालेलुया, तुम दिल में ऐसे बस गए कि जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। हालेलुया, तो प्रत्येक क्षणी तो परमेश्वर तुमच्या हृदयामध्ये वस्ती करणारा परमेश्वर आहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसे
मेरे शाप मेरे जलते बन गए। आतापर्यंत त्या परमेश्वराने आपल्याला सांभाळलेला आहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर आमचा रखवाला परमेश्वर आहे। हालेलुया, आमचा सांभाळ करणारा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपण त्याची स्तुती करूया, त्याच्या नावाला उंचावूया, त्याची महिमा करूया। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है। रखवाला, रखवाला यीशु है। रखवाला हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला सी।
वजन आपले नेत्र बंद करून त्या परमेश्वराला धन्यवाद देऊया, त्याच्या प्रेमाची आठवण करूया, कारण तो परमेश्वर अगाप प्रेमाने भरलेला परमेश्वर आहे. धन्यवाद येश, धन्यवाद माझ्या राजा, धन्यवाद राजांच्या राजा, तुझ्या प्रेमाने भर माझ्या देवाप्पा, आणखी प्रेमाने भर माझ्या देवाप्पा. ओ धन्यवाद येश, धन्यवाद माझ्या राजा, धन्यवाद येश. थँक्यू लॉर्ड. Or pyar, or samar, or pyar, or samar, chahta hu mere khuda. सर्व आराधनेचा गौरव मी फक्त तुला देते माझ्या देवाप्पा, तुझ्या नावाला उंचावते, तुझी महिमा करते माझ्या परमेश्वरा. धन्यवाद देते, स्तुती करते, आभार मानते, तुमचा वेळ काळ तुझ्या हातात सोपवते. नासर येशूच्या नावामध्ये मागते म्हणून तक माझ्या देवपित्या, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. फिर से एक बार हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, और जब हम आज रविवार को प्रभु की आराधना हमने की है और प्रभु का धन्यवाद किया, आराधना के अंदर प्रभु ने हमें सपरिवार के साथ में हमें शामिल किया. ये उसका अनुग्रह है कि आज आप और मैं प्रभु की आराधना आप और मैं कर पाए, और इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं. तो आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें, प्रभु के वचन को समझने से पहले पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें और प्रभु का धन्यवाद दें. आइए प्रार्थना करें.
पिताजी हम आपका फिर से एक बार शुक्र अदा करते हैं प्रभु जी, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि आज का दिन आपने दिखाया कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपके वचनों को सुन सकें। इसलिए फिर से एक बार हमारे कानों को स्पर्श कर प्रभु जी, हमारे हृदय को स्पर्श कर, और पवित्र आत्मा हम आपको आमंत्रित करते हैं इस समय कि हमारे आँख, हमारे मनों को, हमारे कानों को खोल दे और तेरा प्रकाशन हमें मिले प्रभु, ये तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और यहाँ से आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आप आइए और पूरी तरह से हमें नियंत्रण लीजिए प्रभु जी, और गहराई से वचनों को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोल दीजिए। सब महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड चर्च। और हम कई दिनों से हम प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, और उसमें से एक विषय को हम लेकर चल रहे हैं। वो विषय है जिसके कान हो वो सुन ले। और ये बहुत बार बाइबल के अंदर लिखा हुआ ये शब्द हमें दिखाई देता है, और ये क्यों बोला गया है इसको समझना जरूरी है। पिछले हफ्ते, उसके पिछले हफ्ते इस बात को हमने देखा, इस बात को जाना, और फिर से आज हम इस अध्याय को लेकर हम आगे जाएंगे और आज समझेंगे कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, कौन सी बात को सुनने के लिए उन्होंने कहा है। तो आइए हम समय ना गंवाते हुए, हमारा समय का पूरा फायदा उठाते हुए हम अभी वचनों की ओर हम बढ़े और वचनों की ओर जाएं। मरकुस इसका चौथा अध्याय और इसका 23 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। अब यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, यदि ये वाक्य यहां पर आए, यदि का मतलब है कि यदि कहा गया है, इसका मतलब यह है अगर आपको जबरदस्ती नहीं है, सुनना है तो सुन लीजिए, नहीं सुनना है तो मत सुनिए। यहां पर यदि ये शब्द को दिया गया है, और क्या सुनना है ये बात यीशु मसीह ने यहां पर कही है। इसलिए हम ध्यान से इन बातों को देखें कि आपको और मुझे क्या सुनना है, इस बात को यीशु मसीह कह रहे हैं, और क्या सुनना है इस बात को लेकर आज हम देखते हैं। मरकुस इसका चौथा अध्याय 21 और 22 वचन में ये बात लिखा है, जो 23 वचन में यहां पर लिखा है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वे सुन ले। अब 21 से 22 वचन में वो बात को लिखा है कि क्या सुनने के लिए यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं। तो वचन 21 में इस प्रकार है, उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यहां पर एक बात लिखी गई है, इसी बात को मत्ती को शुभवर्तमान 5 अध्याय 15 और 16 में और अधिक स्पष्टता से यहां पर यीशु मसीह ने कहा है। और मत्ती इसका 5 अध्याय 15 से 16 वचन, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अब यहां पर दिया के बारे में लिखा गया है, दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं पर दीवट पर रखा जाता है। इस बात को यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। ये दिया महत्वपूर्ण बात यहां पर दिखाता है। ये दिया किस लिए है? तो उजाला देने के लिए है। और उजाला देने से क्या होता है, हमें दिखाई देता है। अगर अंधियारे में अगर उजाला किया जाए, दिया जलाया जाए, तो हमें सबको मालूम है कि वहां पर उजाला होने से आपको और मुझे दिखाई देगा। और दिए को दीवट पर रखा जाता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। आज इसी के ऊपर आज आप और मैं मनन करेंगे, दिया दीवट जिसके बारे में यीशु मसीह ने यहाँ पर लिखा है वो कितना महत्वपूर्ण है, किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है यीशु मसीह। और यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है, ये कितना महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यीशु मसीह ने की है, इसको समझना आपके और मेरे लिए जरूरी है। और इसी बात को लेकर लूक इसका 8 अध्याय 16 और 16 से 18 वचन में पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हुए हम आगे आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। लूक इसका 8 अध्याय 16 से 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कोई कुछ छिपा नहीं है जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है
जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। अब ये जो तीन वचन यहाँ पर हैं, उसमें से एक ही वचन को हम देखेंगे और इस वचन को लेकर आप और मैं आगे बढ़ेंगे। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और ना खाट के नीचे रखता है, कोई परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए, प्रकाश पाए। और यहाँ पे दिया और दीवट के बारे में लिखा है, उसके बारे में आज आप और मैं देखेंगे। दीवट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। दीवट के बारे में यहाँ परमेश्वर लिखता है, दीवट के बारे में यहाँ यीशु मसीह बात करते हैं, और समझना जरूरी है दीवट के बारे में कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। कहाँ पर भीतर आना है, कहां पर उजाला देना है, इस बात को भी आपको मुझे समझना जरूरी है। और आज यही मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आज हमारी आंखों को मनों को खोल दे इस बात को लेकर, और हमें समझना है, हमारे कानों को खुला रखना इस बात को सुनकर। आज हम दीवट के बारे में बात करेंगे कि दीवट मतलब क्या है, दीवट अर्थात क्या है। अगर आप प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 20 वचन में पढ़ेंगे तो दीवट के बारे में वहां पर बताया गया है, दीवट के बारे में यीशु मसीह ने वहां पर लिखा हुआ है। जब यीशु मसीह, जब यूहान दर्शन प्राप्त करता है और यीशु मसीह का वो दर्शन को प्राप्त करता है, यीशु मसीह का प्रकाशन को वो प्राप्त करता है, तो यीशु मसीह उनको एक बात वहां पर कहते हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 20 वचन के अंदर ध्यान से इन बातों को सुनना और इसके ऊपर मनन करना, अर्थात उन 7 तोरों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलसिया के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलसियाएं हैं। यदि जिसके कान हो वो इस बात को सुन ले। यहां पर क्या लिखा है, दीवट को पैमाने पर खाट के नीचे नहीं रखा जाता, दिए को उसको कहां रखा जाता है, दीवट पर उसको रखा जाता है। और दीवट क्या कहा गया है परमेश्वर के वचनों में, तो ये 7 दीवट जो है ये 7 कलसियाएं हैं, और जो ये अगुओं को दिखाते हैं, ये जो 7 तारे हैं ये पास्टर और उसकी सेवा करने वाले अगुओं को यहाँ पर दिखाते हैं। आप गलती इसका 4 अध्याय 14 वचन में भी इस बात को पढ़ देते हैं, ये स्वर्गदूत नहीं है, ये आपके और मेरे बारे में बताया गया है जो आप और मैं सेवा कर रहे हैं। आपको और मुझे दूत ये शब्द को देकर यहाँ पर दर्शाया गया है। गलती इसका 14 अध्याय 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया जाए, वो खुद को एक दूत यहाँ पर कहता है। तो आपका और मुझे जो है वो तारों की उपमा आपको और मुझे दी गई है, लेकिन जो सोने के 7 दीवट हैं उनको कलसियाओं के रूप में दर्शाया गया है। दीवटे जो प्रकाश और दिशा प्रदान करती है, जो दीवट हैं उनको कलसियाओं के रूप में दर्शाया गया, कलसिया के रूप में दर्शाया गया है। ये दीवट क्या है, ये दीवट जो है वो कलसिया है, दीवट जो है वो कलसिया की उपमा दी गई है। अब यहाँ पे एक बात समझने जैसे योग्य बात है, ये दीवट जो है, ये दीवट जो है ये कलसिया है, और कलसिया क्या है इस बात को आपको मुझे समझना है। ये कलसिया कौन है, ये कलसिया जो है मेरे बहन मेरे भाई आप और मैं है। कौन, जो यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किए गए हैं, जिसने अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने जीवन में उसको स्वामी और मालिक अपना लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है वो कलसिया से जुड़ गया है, वो एक कलसिया है, वो एक चर्च है। आप और मुझे परमेश्वर ने एक कलसिया के रूप में जोड़ दिया गया है, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह को अपना लिया है और अपना स्वामी अपना उद्धारकर्ता मानकर उसको ग्रहण कर लिया है। यीशु मसीह कहता है वो एक कलसिया बन चुका है, वो कलसिया का एक भाग बन चुका है, वो कलसिया का एक सदस्य बन चुका है, एक प्रमुख बन चुका है। और यीशु मसीह ने आपको मुझे एक स्थानीय कलसिया में जोड़ दिया है, और स्थानीय कलसिया दो प्रकार की कलसियां हैं, एक स्थानीय कलसिया है और दूसरा जागतिक कलसिया है। और जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारे पूरी जागतिक कलसिया को लेकर वो जाने वाले हैं। इसलिए आप और मैं एक कलसिया का भाग बने,
इसलिए कि यीशु मसीह ने इस कलिसिया के अंदर आपको और मुझे जोड़ दिया है। जब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आप और मैं कलिसिया में जुड़ जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप वहां पर, आप और मैं वहां पर लगा दिए गए हैं, आप और आपको और मुझे वहां पर एक स्थान मिल चुका है। और कलिसिया जो है वो दीवट है, दीवट का मतलब है जहां पर दिए को रखा जाता है। यीशु मसीह ने कहा है, मेरी बहन मेरे भाई, यीशु मसीह ने कहा है कि इस संसार का जो प्रकाश हो मैं हूं, इस संसार की ज्योति जो मैं हूं। यीशु मसीह कहते हैं संसार की ज्योति मैं हूं, यूहन 8:12 के अंदर। अब वो ज्योति, जब प्रकाश जो है जब हमारे अंदर आता है तो अंधकार पूरी तरह से बाहर निकलकर हमारे अंदर वो ज्योति को वो दे देता है, आपके और मेरे अंदर वो प्रकाश को निर्माण कर देता है। और जब आपके और मेरे अंदर जब प्रकाश आ जाता है तो आप और मैं कलीसिया के एक भाग बनकर, आप और मेरा ये काम होता है कि आप और मैं कलीसिया के द्वारे उजाला दे, आप और मैं कलीसिया में रहकर वो प्रकाश दे कि भीतर आने वाला जो है वो प्रकाश पाए। कौन भीतर आने वाला है? अन्य लोग भीतर आने वाले हैं, अन्य लोग जो हैं वो भीतर आने वाले हैं। और भीतर आकर वो क्या देखेंगे? भीतर आकर वो एक बात को देखेंगे, वो बात है आपके और मेरे जीवन के अंदर वो प्रकाश को देखेंगे, आपके और मेरे अंदर वो ज्योति को देखेंगे। और जब ज्योति को आपके और मेरे अंदर देखेंगे, यीशु मसीह की ज्योति जो जलती हुई आपके और मेरे अंदर देखेंगे, तो वो भी परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई करने लगेंगे। इस बात को आपको और मुझे समझना जरूरी है। दीवट क्या है? वो कलिसिया है। दिए कौन है? आप और मैं है वो दिए जो कलिसिया में लगाए गए हैं, जो कलिसिया में आपको मुझे स्थान दिया गया है। इसलिए ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि दिया दीवट पर रखा जाता है, दीवटों के बीच में प्रभु यीशु घूमते हैं, प्रभु यीशु फिरते हैं। ध्यान से सुनना प्रकाशित वाक्य, इसका जो वचन है, पहला अध्याय 12 के अंदर यीशु मसीह ने खुद को यौहान के ऊपर प्रकट किया है, खुद को प्रकाशन दिया है। और वो देखता है, यौहान देखते हैं, और वो कलीसिया के अंदर वो घूम रहे हैं, यीशु मसीह कलीसिया के अंदर वो घूमते हुए फिर रहे हैं। इसका 2 पहले वचन में जब आप देखते हो, इफिसुस कलीसिया के दूतों को यह लिख जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरते हैं, वह यह कहता है। इसका मतलब यह है कि दीवटों में, कलीसिया में यीशु मसीह फिरते हैं। क्यों फिरते हैं? इस बात को जानना जरूरी है। क्यों फिरते हैं? हमारी हालत को देखने के लिए। जब आप इसको ठीक से पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य 2:3 वह यह कहता है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। यहां पर इफिसियों की कलीसिया की हालत क्या है, यीशु मसीह उनको बता रहे हैं, यीशु मसीह उनको सुधारने के लिए वहां पे कह रहे हैं। और आप 7 कलीसियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो यीशु मसीह उन वहां पर फिर घूमते हैं, वहां पर फिरते हैं, उनकी हालत क्या है उसके बारे में यीशु मसीह वहां पर बात कर रहे हैं। इसलिए आज आपको और मुझे ये जानना बहुत जरूरी है, मेरी बहन मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह कलीसियों की हालत जानते हैं, आपकी और मेरी हालत को जानते हैं, और उन्हें कहते हैं कि उन्होंने प्रभु के लिए क्या किया है और उन्हें कहां पर सुधरने की आवश्यकता है। ये यीशु मसीह उस दीवटों के अंदर, वो कलीसियाओं के अंदर फिरकर ये बात उनको बताते हैं। यीशु दीवटों के बीच में फिरते हैं। क्यों फिरते हैं? तो हालत देखने के लिए। मेरी बहन मेरे भाई, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आप और मैं यीशु मसीह के चिराग हैं, यीशु मसीह के दिए हैं, और ये दिए का स्थान कहां है? वह कलीसिया है, वह चर्च है। और दीवट जो है वो कलीसिया की उपमा यहां पर दी गई है। और दिए कहां जलाए जाते हैं? कहां जला कर रखे जाते हैं? तो वो दीवट पर जला कर रखे जाते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है आपको और मुझे। ये महत्वपूर्ण है आपके और मेरे जीवन में इस बात को समझने के लिए कि आप और मैं लगाए गए हैं, आप और मैं लगाए गए हैं। कहां लगाए गए हैं? उस कलीसिया में लगाए गए हैं जो दीवट की उपमा जिसको दी गई है। आप और मैं अपने जीवन को जो यीशु मसीह की ओर से जो हमने पाया है, यीशु मसीह की ओर से जो हमने अपने जीवन को अपनाया है, यीशु मसीह की ओर से जो प्रकाश हमारे अंदर आया है, उसकी हालत क्या है, इसको देखना आपके और मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए जो
जो जब यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आते हैं तो अंधेरा दूर होकर हमारे जीवन में प्रकाश आ जाता है। और जब प्रकाश आता है तो मत्ती 5:15 के अनुसार, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हमारा हमारे अंदर जो यीशु मसीह जो प्रकाश है वो प्रकाश औरों तक पहुंचना है, औरों तक वो जाना है। इस बात को आपको और मुझे ध्यान रखना है। और मेरा जो ये दीपक है, मेरा जो ये दीपक ये कौन जलाता है? ये प्रभु यीशु मसीह जलाता है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में वो लेकर इस प्रकाश को लेकर आता है। और यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:14 के अंदर, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति कहा गया है। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अब यीशु मसीह ने आपको और मुझे जला तो दिया, अब आपको और मुझे क्या करना है? ज्योति के समान चमकना है, ज्योति के समान आपको और मुझे प्रकाश देना है। इसलिए वो कहता है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। अब हमारा जो प्रकाश है जो यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में आया है, वो प्रकाश अब उजाला देना है, वो प्रकाश अभी चमकना है। इफिसियों 5:8 के अंदर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। एक बार वो ज्योति हमारे जीवन में आ गई, एक बार वो प्रकाश हमारे जीवन में आ गया, तो आप और मैं ज्योति की संतान बनकर आपको और मुझे जलना है, आपको और मुझे हमारा प्रकाश जो है वो लोगों तक पहुंचना है। फिलिपियों के दूसरा अध्याय और 15 में लिखा है, जगह वो उसने हमें दीपकों के समान जलते हुए दिखाई देने के लिए कहा है। आप और मैं जगत में जलते दीपक के समान दिखाई दे, ऐसा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है। आप और मैं ज्योति की संतान बनकर आप और मैं जिए। हमारा जीवन परिवर्तित होता है। कब परिवर्तित होता है? जब आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह आता है, अंधकार दूर हो जाता है, अंधकार चला जाता है, और यीशु मसीह प्रकाश बनकर आपके और मेरे जीवन में आकर वो प्रकाशित होने के लिए आपको और मेरे जीवन के अंदर वो आकर रहता है, इसलिए कि आप और मैं प्रकाश दे सके। इस बात को आपको और मुझे समझना जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है। देखिए मेरे बहन, मेरे भाइयों, मेरे प्रिय परिवारों, आपको और मुझे ये जानना जरूरी है कि जिसके कान वो सुन ले, क्या सुन ले, कि जो उजाला है, जो दिया है, उसको खाट के नीचे नहीं रखा जाता, उसको दीवट के ऊपर रखा जाता है। उसका स्थान कहाँ है? उसका स्थान दीवट है। और दीवट क्या है? दीवट कलसिया है। आपको मुझे वहां उजाला देने के लिए बुलाया गया है, आपको मुझे वहां प्रकाश देने के लिए बुलाया गया है। और ये ज्योति कहां से आई है? प्रकाश कहां से मिला है? ये प्रकाश हमें यीशु मसीह की ओर से मिला है। यीशु खुद कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, और ये ज्योति जो है आपके और मेरे अंदर जलाई गई है, ये प्रकाश जो है आपके और मेरे अंदर जलाया गया है। इसको लेकर आपको मुझे चलना है। और भीतर आने वाला जो है उसको उजियाला मिले। कहां से उजियाला मिले? हमारे जीवन के अंदर से उजियाला मिले, हमारे जीवन के अंदर से और उसको प्रकाश मिले। इसलिए यहां पर यीशु मसीह ने इस बात को बड़ी गहराई के साथ में यहां पर बताया है। और क्या कहा यीशु मसीह ने? 1 पत्रस 2:9 के अंदर कि यीशु मसीह ने क्यों आपको और मुझे चुना है? तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। क्यों यीशु मसीह ने आपको मुझे बुलाया है? क्यों यीशु मसीह ने आपको और मुझे कलीसिया का भाग बनाया है? क्यों यीशु मसीह ने आपको मुझे दीवट के अंदर आने के लिए कहा है? उसका एक ये कारण है कि आप और मैं इसलिए बुलाए गए हैं कि आप और मैं उसके गुण को प्रकट कर सके जो अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अद्भुत ज्योति लिखा गया, अद्भुत ज्योति में बुलाया गया है, उसके गुण प्रकट करने के लिए आपको मुझे बुलाया गया है। इसका मतलब यह है कि आपके और मेरे अंदर जो ज्योति जलाई गई है यीशु मसीह की, वो कभी बुझे नहीं, तो वो उजाला देते देते वो आगे बढ़े। इसलिए आपके और मेरे जीवन में ये ज्योति जलाई गई। ये ज्योति क्या है? ये प्रकाश क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है। बाइबल के वचन के अनुसार यूहन्ना इसका 1:4 में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? यीशु मसीह में जीवन था। यूहन 8:12 में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे अंदर एक प्रकाश को डाल दिया है। अब वो जो प्रकाश हमारे अंदर डाल दिया है, वो प्रकाश अभी बुझने नहीं देना है। वो अगर प्रकाश बुझ जाएगा
तो हमारे जीवन में हम अंधकार के जीवन में चलेंगे और अंधकार के अंदर जो है दिखाई नहीं देगा। इसलिए आपको और मुझे उस ज्योति में चलना है, आपको और मुझे ज्योति में चलने के लिए बुलाया गया है, आपको और मुझे प्रकाश में चलने के लिए बुलाया गया है। इसलिए आपको और मुझे ज्योति की संतान बनकर आपको और मुझे चलना है अपने जीवन के अंदर। इसलिए यीशु मसीह जो है वो ज्योति है, यीशु मसीह वो प्रकाश है जिसने हमारे अंदर वो ज्योति को जला दिया है। इसलिए यूहन 12:46 में लिखा है, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी अंधकार में नहीं रहेगा, वह ज्योति में चलेगा। दूसरा करिन्थियों पत्र 4:6 में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह की ज्योति हमारे अंदर आई, उसके चेहरे से यीशु मसीह के चेहरे से आप और मैं प्रकाशमान हो गए। अब मेरी बहन मेरे भाई, इस बात को आप और मैं समझे, इस बात को आप और मैं जाने कि आप और मेरे अंदर जो ज्योति जलाई गई है वो दिखने के लिए है, वो उजाला देने के लिए है। और कहां पर उजाला देने के लिए है? उस दीवट के अंदर। प्रभु कहां है उसका स्थान? दीवे को रखने का स्थान कहां है? दीवे को जलाने का स्थान कहां है? वो है कलसिया, वो है चर्च, जिसका एक भाग आपको मुझे बनाकर यीशु मसीह ने संसार में भेज दिया है। अब ज्योति जो है वो चमकना है, और ज्योति जो है जो दिया है वो कहां रखना है? कलसिया में रखना है। कलसिया में क्यों रखना है? कलसिया में इसलिए रखना है क्योंकि कलसिया के अंदर यीशु मसीह फिरते हैं, यीशु मसीह घूमते हैं। हमारी हालत क्या है वो यीशु मसीह जानते हैं वो, और जब आपकी और मेरी हालत को जानते हैं तब वो हमें सुधरने के लिए वो आपको मुझे कहेंगे कि आपको मुझे कहाँ सुधरना है। आप और मैं, आपको और मेरा आपने और मैंने कितना कष्ट किया है, कितना परिश्रम किया है, उसको भी यीशु मसीह आपको और मुझे बताएंगे। उसके भी प्रोत्साहन आपको और मेरे लिए यीशु मसीह करेंगे। लेकिन कहाँ पर रहने के बाद में? कलसिया में रहने के बाद में, क्योंकि कलसिया एक स्थान है जहाँ पर आप और मैं जलाए जाने के लिए बुलाए गए हैं, जहाँ पर आप और मैं जलाए जाने के बाद में जहाँ पर रखने के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं वो है स्थान है, वो है कलसिया है। अभी हमने देखा वो 7 दीवट कौन है? वो 7 दीवट 7 कलसियाएँ हैं, और कलसियाओं में यीशु मसीह घूमता है। आप और मैं अपने आपके और मेरे जीवन में जो ज्योति जलाई गई है मेरे प्रियो, वो ज्योति को संभालने के लिए, वो ज्योति का जो स्थान है वो स्थान में रहने के लिए आपको और मुझे बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है? क्यों वहां पर रखने के लिए कहा गया है? अगर आप उस ज्योति को, आप देखिए ज्योति को जलाइए, आप एक दिया लीजिए और दिए को आप जलाइए, अगर दिए को हाथ में लेकर आप घूमेंगे तो हवा आएगी और वो बुझ जाएगा। इसलिए उसका एक स्थान होता है रखने का, इसलिए उसको स्थान में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि वहाँ सुरक्षित रहे, वहाँ पे वो हवा ना लगे, हवा की वजह से वो बुझ ना जाए, आंधी और तूफान की वजह से बुझ ना जाए। इसलिए एक स्थान होता है रखने के लिए, और वो स्थान क्या है? वो है कलसिया है, कि आपको और मेरा जो दिया है वो ना बुझे, जो यीशु मसीह नाम की ज्योति, यीशु मसीह नाम का जो प्रकाश हमारे अंदर आया है वो ना बुझे, वो ना आंधी और तूफान के से वो ना बुझे। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे एक स्थान दिया है, दिया को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थान दिया गया है, वो एक चर्च है, वो कलिसिया है, इसको बुझने मत दीजिए। इसलिए यहां पर यीशु मसीह ने बड़े गंभीरता के साथ में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। ये शरीर रूपी हमारा एक दिया है, ये शरीर रूपी दिए के अंदर यीशु मसीह ने आग को लगा दिया है, चिराग को लगा दिया है, दिए को जला दिया है। अब ये दिया जो है आप और मेरा काम है कि इसको बुझने नहीं देना है, इसको बुझने नहीं देना है। अब यीशु मसीह ने ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर में यीशु मसीह ने एक बात यहां पर लिखा है। देखिए लूक इसका 11:34 इसका 34 में इस प्रकार लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। अब ये शरीर रूपी दिया है, और इस दिए के अंदर, इस जो शरीर है इसके अंदर एक दिया है जो जलने का काम करता है, और वो दिया क्या और कौन है? यहां पर लिखा है वो दिया आंख है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तेरा शरीर का दिया जो है तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्बल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। यहां से ध्यान देने की बात है, आंख
अतिशय महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु मसीह ने एक स्थान दिया है वहां पे आपको और मुझे हमेशा चेक करना है अपने जीवन को कि मेरे जीवन में दिया जल रहा है कि नहीं। तो इस बात को आपको और मुझे समझने के लिए बहुत जरूरी है और आपको और मुझे समझना जरूरी है कि एक स्थान है, वो है दीवट, वो कलिसिया है जहां पर अपने जीवन को आपको मुझे रखना होगा। क्यों मालूम है? प्रभु का संदेश वहां पर आता है। मेरा जीवन कहां पर है, मेरा जीवन कहां पर रखना है, वो संदेश आपको और मुझे वहां पर आता है और उसको सुनकर आपको मेरे जीवन उसको अपना कर अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। नहीं तो आपको मेरा दीवा जो है वो बुझ जाएगा। अगर आप और मैं आंधी और तूफान में फंस जाएंगे, हवा आ जाएगी, तो हवा आने के बाद में आपको मेरा दीवा बुझ सकता है। इसलिए इसका आपको मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आपको मुझे सुरक्षित स्थान में उस दिए को लगाना पड़ेगा। और शरीर का जो दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरी आंख है जो हमारे शरीर को उजियाले में रखती है। इसलिए हमारी आंखों को हमें निर्मल रखना पड़ेगा, निर्मल रखना पड़ेगा। ये आंखें जो है ना, ये आंखें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के अंदर। ये आंखें जो हैं, ये जो दृष्टि है, आंखों से हमें जो दिखता है, ये अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे संभालना बहुत जरूरी है। मनुष्य आंखों के द्वारा आकर्षित होता है और उनका पूरा शरीर आंखों के द्वारा प्रभावित होता है। आप देखिए, आंखों से अगर कुछ बात को देखेंगे तो वो आकर्षित होगी और हमारा पूरा शरीर भी उसके द्वारा प्रभावित होगा। इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर लिखा है, पहला यूहान का पत्र 2:16 के अंदर, जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीव का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। इसलिए आंखों की अभिलाषा यहां पर बताया गया है, आंखों की अभिलाषा जो शरीर को प्रभावित करती है, उससे आपको और मुझे बचना है। हम शरीर का जो दिया है वो आंख बताया गया है। इसलिए आंखों को संभालना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हवा ने वो आंख को संभाला नहीं। उत्पत्ति 3:5 में जब शैतान की हवा सुनती है और सुनने के बाद में उसके जो शरीर में जो उसका दिया है, वो दिया पूरी तरह से एक जगह आकर्षित होता है और जब वो दिया आंख उसके आकर्षित होती है, उसका पूरा शरीर प्रभावित होता है उसको लेने के लिए, उसको अपनाने के लिए उसका पूरा शरीर प्रभावित हो उठता है। उत्पत्ति 3:5 में लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हवा ने शैतान की बातों को सुना और अपनी आंखें वहां लगाई जहां लगाना नहीं चाहिए था। और हम जानते हैं वो उसका पूरा शरीर प्रभावित हुआ, उसकी वजह से, देखने की वजह से प्रभावित हुआ। और जैसे जैसे उसकी आंखों ने उसको एक तरफा उसको देखा, उसका पूरा शरीर प्रभावित हुआ और उसने उसको फल को खा लिया। और हम जानते हैं उसके जीवन के अंदर कौन सी घटनाएं हुई, वो पाप में डूब गई। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आंखें खुल गई। क्या मेरा सवाल यह है, क्या वो अभी तक अंधी थी? नहीं मेरे बहन मेरे भाई, वो अंधी नहीं थी, उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। लेकिन जब उसने फल को खा लिया, उसकी आत्मिक आंखें बंद हो गई और वहां कहता है कि उसकी शारीरिक आंखें खुल गई। और उसने जो आत्मिक आंखों से परमेश्वर को वो देखती थी, परमेश्वर को जो देखता था, वो आंखें बंद हो गई, वो आंखें एकदम पूरी तरह बंद हो चुकी और शरीर की बातों को वो देखने लगी। मेरी बहन मेरे भाई, इसलिए यहां पर लिखा गया है शरीर की अभिलाषा और शरीर को जो हम शरीर आंखों से जो भी देखते हैं उससे हमारा शरीर प्रभावित होता है और वो करने की इच्छा रखता है जो हमारी आंखों ने देखा है। इसलिए यीशु मसीह यहां पर लिख रहे हैं, अब तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारे शरीर का दिया क्या है? आंख है। अगर आंख निर्मल है तो तेरा शरीर भी उजियाला होगा, उजियाला होगा। पहली बात, यीशु मसीह ने हमारे जीवन में हमें प्रकाशित किया है, हमें उजियाला दिया है। आपके और मेरे जीवन को यीशु मसीह ने जगत की ज्योति कहा है। आप और मैं ज्योति देने वाले लोग हैं। कौन सी ज्योति देने वाले लोग हैं? यीशु मसीह की ज्योति। और ये ज्योति कौन है? ये ज्योति मतलब जीवन है। और ज्योति ज्योति एक जीवन है। ज्योति जब प्रकाश मिलता है तो लोगों को जीवन मिलता है, लोगों को दिखाई देता है। इसलिए आपके और मेरे जीवन में भी इस बात को समझना है कि आप और मैं कलिसिया में लगाए गए हैं। इसलिए लगाए गए हैं कि आप और मैं लोगों को उजियाला दें, जो भीतर आने वाले लोग हैं उनको उजियाला दें। और उजियाला किससे मिलेगा? हमारी आंखों के द्वारा। इसलिए अपनी आंखों को निर्मल रखें,
अपनी आंखों को सही रखें। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, लौदीकिया कलीसिया को लिखा यीशु मसीह ने 3:18 में प्रकाशित वाक्य के, अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। सुरमा लेने के लिए कहा यीशु मसीह ने। और यह सुरमा कौन है? ये पवित्र आत्मा का प्रकाशन कहा गया है। इस सुरमा लेने के लिए कहा है, सुरमा लगा के देखने के लिए कहा गया है। ये सुरमा कौन? ये पवित्र आत्मा के प्रकाशन को दिखाता है। प्रकाशन होगा तो ही हम देख पाएंगे, प्रकाशन नहीं होगा तो हम अंधत्व में चलेंगे, हम अंधे बनकर हम चलेंगे। सुरमा अर्थात पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। और सुनने से और पढ़ने से हम बुद्धि को अपने ज्ञान से भरते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन ज्ञान जो है परमेश्वर के दृष्टि में इस संसार का जो ज्ञान है परमेश्वर ने मूर्ख ठहराया है। इसलिए आपको और मुझे अपने जीवन में ज्ञान को सिर्फ लेना नहीं है, अपने ज्ञान से बुद्धि को बढ़ाना नहीं है, हमें पवित्र आत्मा का प्रकाशन के द्वारा अपने आपके और मेरे जीवन में चलना है। बहुत लोगों को बाइबल पूरा मालूम है लेकिन प्रकाशन नहीं है उनके जीवन के अंदर, और जब तक प्रकाशन नहीं है तब तक आप और मैं परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपके और मेरे जीवन से प्रकाशन को लेना है, उस सुरमे को लेना है जिससे आपको मुझे दिखाई दे। और वो सुरमा क्या है? वो सुरमा है पवित्र आत्मा का प्रकाशन। इसलिए जब भी आप और मैं बाइबल को पढ़े, जब भी आप और मैं अपनी आंखों से बाइबल के वचनों को देखे, तब एक प्रार्थना को वहां की जाए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे प्रकाशन मिले कि मैं तेरे बड़ी बड़ी बातों को, तेरे बड़े बड़े वचनों को की गहराई को मैं समझ सकूं, मैं जान सकूं और उस पर मैं चल सकूं। इसलिए बाइबल पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई ले, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें और पवित्र आत्मा के प्रकाशन में आप और मैं उसको पढ़ें। तो जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसको पढ़ेंगे तो आपके और मेरे मुझे प्रकाशन मिलेगा, वचनों का प्रकाशन मिलेगा, ऐसा प्रकाशन मिलेगा जो कभी आपने कभी सोचा नहीं, जो हमने कभी सोचा नहीं। ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर प्रकट करेगा। किसके द्वारा? प्रकाशन के द्वारा। इसलिए उस हवा ने अपनी आंखें उस पेड़ के पास में लगाई जो भरे और बुरे का ज्ञान देने वाला था। उसने अपनी आंखों को वहां टिकाए रखा। हम देखते हैं जब उसने अपनी आंखों को वहां टिकाए रखा उसका पूरा शरीर प्रभावित हुआ उसको पाने के लिए। इसलिए आपकी और मेरी आंखें कहां देख रही है इसके ऊपर मनन करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह ने कहा है कि जो आंखें हैं, जो शरीर की आंखें हैं, वो दिया को यहां पर बताया गया। आपकी आंखें जो हैं वो दिया के रूप में वो लिखा गया। समसोन के जीवन में भी इसी प्रकार हुआ। उसने अपनी आंखें जो है इस संसार की ओर लगा के रखी थी, इस संसार की ओर उसने डाली थी। और समसोन के जीवन में देखते हैं न्यायों की किताब 16:21 के अंदर, तब पलस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। सबसे पहला काम शत्रु ने क्या किया कि उसकी आंखों को फोड़ डाला। क्यों फोड़ डाला उसकी आंखों को? कि उसको दिखाई ना दे। जब उसको दिखाई देता था शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाता था। वो शत्रुओं को ऐसा भगा भगा के मारता था कि शत्रु भी भाग खड़े होते थे, इतनी ताकत उसके अंदर समा जाती थी। लेकिन जो समसोन है, सबसे पहले समसोन की आंखों को फोड़ डाला गया। क्यों फोड़ डाला गया मालूम है? क्योंकि ये समसोन जो है, जहां पर इसको आंख नहीं लगाना था वहां पर इसने आंखों को लगाया। इसलिए हम देखते हैं संसार की ओर, संसार की बातों की ओर अपनी आंखों को उसने लगाया, एक वेश्य की ओर अपनी आंखों को उसने लगाए रखा। और हम जानते हैं उसने अपनी आंखों को वहां लगाए रखा, उसका शरीर प्रभावित हुआ और अपने जीवन के अंदर उसने खुद का नाश कर लिया। इसलिए हमारी आंखें कहां देख रही हैं, हमारी आंखों को हमें कहां रखना है, इस बात को आपको मुझे जानना जरूरी है। हमारी नजर आज कहां पर लगी है? और शैतान चाहता है, शैतान एक ही बात चाहता है कि आपकी और मेरी आंखों को फोड़ डाले। क्यों फोड़ डाले? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के प्रकाशन को समझ ना पाए। इसलिए आज सवाल यह है मेरी बहन मेरे भाई कि आपकी और मेरी आंखें कहां पर आपने और मैंने लगाई हैं। दाऊद ने भी अपनी आंखों को एक स्त्री के ऊपर लगाई। हम देखते हैं दाऊद और बेतशबा के जीवन के बारे में 2 Samuel 11:1-2 के समय, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। वो छत पर टहल रहा था और उसने क्या किया, अपनी आंखें को वहां गड़ा के रखा और नहाती हुई स्त्री के पास में। और हम जानते हैं उसका शरीर उससे प्रभावित हुआ और हम जानते हैं कि आगे क्या घटना हुई। इसलिए आज आपके और मेरे जीवन में जो आपके और मेरे शरीर को अंधकार में लेकर आती है उस चीज पर मेरी नजर है क्या? क्या मेरी नजर उस चीज पर है जो मेरे शरीर को निर्मल करती है? और निर्मल करने वाली कौन सी चीज है? वो है प्रभु के वचन।
और लौट के जीवन में भी हम ऐसे देखते हैं। अखान लौट के जीवन में भी देखते हैं, लौट जो एक व्यक्ति था जो अब्राहम का भतीजा था, हम देखते हैं कि उसके जीवन में भी उसने हरी हरी जगहों पर सदोमनी गमोरा की ओर अपनी आंखों को लगाया। और हम जानते हैं उसने जब उस आंखों को वहां पर लगाया, उसको अपनी आंखों को वहां आकर्षित किया, उसका शरीर प्रभावित हुआ और सदोमनी गमोरा के पास में वो चला गया और हम देखते हैं वहां पर उसका नाश हुआ। वैसे अखान के जीवन में देखते हैं यहोशू 7:21 वचन के अंदर, अखान ने भी लूट के ऊपर जो चांदी थी, जो कपड़े थे, उसके ऊपर उसने अपने ध्यान को केंद्रित किया और हम देखते हैं उसके जीवन में भी पाप हुआ। यीशु के जीवन में भी इसी प्रकार की घटना हुई। मत्ती 4:8 वचन के अंदर शैतान जो है उसके सामने पूरे राज्य के वैभव को उसने लाकर रख दिया, उसकी आंखों को वहां पर लगाया, उसने दिखाया, उसके राज्य को दिखाया, वैभव को दिखाया और यीशु मसीह को कहा कि तू मुझे नमन कर, ये जो भी तू देख रहा है मैं तुझे सब दे दूंगा। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह वहां पर विजय हुए, शैतान हार गया, लेकिन जो बाकी के लोग थे वो अपने जीवन को हार गए हैं। इसलिए आज मैं आपसे विनंती करूंगा, जिसके कान वो सुन ले, क्या सुनना है कि दिया जो है वो पैमाने पर नहीं, खाट के नीचे नहीं, वो दीवट पर रखा जाता है। क्यों दीवट पर रखा जाता है? कि आने वाले को उजियाला प्राप्त हो। क्या आज आप और मैं उस उजियाला जो मेरे अंदर यीशु मसीह बनकर आया था, वो उजियाला आज भी सही सलामत है, आज भी जल रहा है? अगर नहीं जल रहा है तो फिर से एक बार ये मौका है कि आप और मैं पश्चाताप करके फिर से आप और मैं अपने जीवन को यीशु मसीह के नाम से उसको जला दें, उसको हम उजाला देने के लिए फिर से एक बार जला दें। इसलिए भजन संहिता 121:1 में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता आकाश से मिलेगी, मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता उससे मिलती है। आयु व्यक्ति से 31:1 वचन में वो कहता है, मैं अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, मैं फिर किसी कुमारी पर कैसे आंखें लगाऊं। अपनी आंखों से एक वाचा बांधनी है कि मेरी आंखें मैं कहां पर लगाता हूं, अपने खुद से वाचा बांधनी, अपने खुद से ये निर्णय लेना है कि मेरी आंखों को मैं वहां पर नहीं जाने दूंगा। इसलिए आप और मैं इस दुनिया में इसलिए बुलाए गए, इसलिए आपको मुझे दीवट पर लगाया गया कि आप और मैं उजियाला दें। इसलिए मत्ती 5:29 में लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे आंखों में से, तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। इस बात को ध्यान रखें, तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। मेरे बहन मेरे भाई, आज आप और मैं इसलिए बुलाए गए कि आप और मैं ज्योति दें, प्रकाश दें। आप और मैं जो हमारा स्थान है दीवट, वहां पे लगे रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है आत्माओं को बुझाओ मत। इसका मतलब यह है आत्मा बुझ सकती है, आत्मा बुझ सकती है। पहले थिसलनीके रसपत्र 5:19 में लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। आज मेरे जीवन के अंदर जो ज्योति मेरे अंदर परमेश्वर ने लगाई थी, क्या वो किसी कारण बुझ गई है? अगर बुझ गई है तो फिर से वो आग, वो ज्योति जलाने के लिए परमेश्वर तैयार है। क्या हम तैयार हैं जलने के लिए? अगर जलने के लिए तैयार है तो यीशु मसीह भी तैयार है जलाने के लिए। इसलिए कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, पर दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। ये दीवट कौन है? कलसिया। आपको मुझे वहां लगाया गया है किस लिए? कि अपने जीवन के अंदर से आप और मैं उजाला दे सके। और मेरा शरीर का दिया कौन है? मेरी आंख है। क्या मेरी आंख के कारण मेरे जीवन के अंदर अंधेरा आ गया है? अगर आ गया है, अगर पश्चाताप करके फिर से एक बार हम प्रभु यीशु मसीह की ओर लौटते हैं तो अंधकार को दूर करके फिर से एक बार आपको और मुझे वो प्रकाशित करेगा। आपको वो मालूम होगा ये आग किसकी आग है? ये आग पवित्र आत्मा की आग है।
यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला कहा है, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद में आने वाला है वो आग से आपको बपतिस्मा देगा। और हम देखते हैं 120 लोग इकट्ठा हुए थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे, और अचानक पेंटिकोस के दिन एक अग्नि वहां पर उतरा। हम जानते हैं उस बात को, और सबके ऊपर अग्नि के रूप में एक एक जीव वहां पर ठहर, अग्नि के रूप में वहां पर पवित्र आत्मा उतरा, सबके अंदर आग जला दी गई। पवित्र आत्मा जो आग है वो जला दिया गया, किस लिए मालूम है? कि परमेश्वर की आग हर जगह फैलती चली जाए। अगर आप और मेरे जीवन के अंदर आग या दिया अगर बुझ गया है, तो आइए उसको ठीक करें, उसको ठीक करके फिर से एक बार उसको ज्योति को जलाएं। दीपक की देखभाल देख रेख करने के लिए यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर के वचनों में लिखा है, अगर निर्गम इसका 27 अध्याय 20 वचन में पढ़ेंगे तो दीपक की देख रेख करने के लिए भी वहां पर कहा है, दीपक की देख रेख। लेवी व्यवस्था 24 अध्याय 1-4 वचन में भी पवित्र दीपकों को सजाने के बारे में लिखा गया है, और वह दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य जलाए जाएं। ये दीवट जो है ये रोज साफ करना था, ये सजाना था, और ये क्या सजाना है, किस रूप में सजाना है, तो हमारे शरीर रूपी जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उसको सजाना है। किसके द्वारा? आग के द्वारा, आग लगाने के द्वारा। इसकी रोज देखभाल करें, शरीर की, आंखों की देखभाल करें, जो परमेश्वर के वचनों में लिखा है। और आज मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, और यही परमेश्वर कहना चाहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। क्या सुन ले? क्या सुनाई देता है आज हमको? हमारी दीवट के बारे में कहा है, हमारी आंखों के बारे में कहा है, और क्या सुनना है, और आगे हम अगले भाग में इसको देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी धन संपत्ति से प्रभु की महिमा करना, तू उसको अपनी फसल का प्रथम फल चढ़ाना, तब तेरे भंडार घर भरे पूरे रहेंगे, तेरी कुंडों में अंगूर रस उमड़ता रहेगा। मैं एक अपनी छोटी सी साक्ष्य मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि प्रभु के भंडार में मैं हमेशा देता हूँ, पर मैं करमेल युवक परिषद के लिए भी थोड़े पैसे अलग रखता हूँ, अपने अकाउंट में रखता हूँ, ताकि जब मई में करमेल का समय आएगा तो वो समय मैं प्रभु को वो पूरा राशि एक साथ जमा करके करमेल युवक परिषद करने के लिए मैं देता हूँ। इस साल क्या हुआ कि मैं वो राशि अपने बैंक अकाउंट में जमा करके रख रहा था, और वही अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट भी है, और उसमें से खर्चे भी हो रहे थे। मैंने देखा कि परमेश्वर का जो पैसा जो मैं अलग से रख रहा था वो कम पड़ गया है। जब मैंने कैलकुलेशन किया, जब मैंने गिनती की, तो मुझे पता चला कि कुछ पैसे मैंने परमेश्वर के लिए जो रखे थे वो मुझसे खर्च हो गए। और जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत खेद हुआ, और मैंने उन पैसों की कम पूरी करने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया। उसी वक्त शॉन का इंश्योरेंस और घर के कुछ खर्चे थे, उन सब के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मुझे एक लोन लेना पड़ा। और वो लोन लेने के बाद मैंने परमेश्वर का जो भाग था, जो हिस्सा था, वो मैंने पहले पहले चर्च में दे दिया। मैंने पहले पहले अकाउंट में, चर्च के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और मैं अपना लोन धीरे धीरे महीने महीने चुकता करता रहा। वो लोन मैंने जनवरी में लिया, पर मेरा जो परमेश्वर है वो किसी का ऋण नहीं रखता है। मेरे परमेश्वर को मेरी हर ज़रूरत पता है। परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कि ये वक्त है जब, जैसे मेरे कलीग्स हैं, उनको कंपनी ने कहा कि आपकी कमाई, आपके सैलरी में कटौती की जाएगी, आपको पूरा सैलरी, पूरा कमाई नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक भाग, एक हिस्सा उसका दिया जाएगा। पर मेरा परमेश्वर ने, उसका अनुग्रह मेरे साथ है कि ये वक्त जब सबकी सैलरी कट रही है, मुझे पूरा सैलरी मिल रहा है। और यही वक्त है कि प्रभु ने मुझे मेरा बोनस भी दिया, और वो बोनस अमाउंट, वो बोनस की रकम इतनी थी कि जो मैंने लोन लिया था वो लोन पूरा मैं चुकता कर पाया। ये मेरे प्रभु का अनुग्रह है। मैं आपसे भी अनुग्रह करता हूं कि अगर आपका देना रुक गया है तो आप फिर से देना शुरू कीजिए, और देखिए कि वो प्रभु, वो एल शद्दाई आपकी हर एक ज़रूरत को कैसे पूरा करता है। अपना पूरा विश्वास हम अपने परमेश्वर पर रखेंगे, और अपना देना, अपना दशवांश, अपना अपना जो
भंडार में हम भेंट लेकर आते हैं वो हम देंगे। देने के लिए बैंक अकाउंट है, पेटीएम है, गूगल पे नंबर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वहाँ पे दे सकते हैं, या फिर एक लिफाफे में आप पैसे रखते जाइए और जब आप मंडली की तरफ आ रहे तो आप वो लिफाफा पास्टर को या फिनेंस कमेटी को दे सकते हैं। पर अपना देना पूरे दिल से, पूरे आनंद से आप दीजिए और देखिए आपकी हर एक ज़रूरत इस समय में भी परमेश्वर पूरा करेगा। आमेन। Of water that brings forth its fruit in its season.
whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. The ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Amen. My name is Ajayasinder. Lord is my shepherd. I shall not want. Psalms chapter 46 verse 1. Lord is our refuge and strength, a very present help in trouble. Amen. Thank you. Hello, praise the Lord. My name is Krishnamli. I am your friend. Shadrach, Meshach, Abednego. I am your friend. 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 I और सब लोगों का हाँ उसके सामने दिल मत खोलो लेकिन ये तीनों ने नहीं किए लेकिन इनको डेंगे वाला कुछ है वो ना है बोल 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 फिर तीनों बोलना इन तीनों को फायर वाले रूम में डाल दो आप बोल फायर दी बोल 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 उनको फायर में डाल दे रहे हैं हम सिर्फ एंजल को बैठे अपनी हेल्प उनको कुछ भी नहीं बोला फिर तीनों बोला मैंने छोटा कौन है जो एंजल ऐसे दिख रहा है उनको कुछ भी नहीं हो रहा पर ये मैंने बोला तुम सब बाहर ही कराओ उनको चेक किया जाए उनको कुछ भी नहीं हुआ पर मुझे अपने एंजल को बैठे अपनी हाथ में निकली इसी तरह जब हम भी पालना करते हैं मुझे कहा भे मानते तो हम कोई भी दावा में कोई भी मुश्किल में हो मुझे अपने एंजल को बैठे अपनी Thank you. Bye-bye. आइए हम प्रार्थना करें हमारे जीवन के अंदर अगर ये प्रकाश मतिमंद हो गया है धीमा हो गया है तो आज आपको और मुझे स्वच्छ होने की जरूरत है कि आग फिर से एक बार जलाई जाए और वो जलाने के बाद में जो हमारा प्रकाश है वो दुनिया तक पहुँचे लोगों तक पहुँचे और हमारा लगाने का स्थान कहाँ है कलेसिया है उस कलेसिया में सुरक्षित रहें जहाँ पर प्रभु ने आपको लगाया है और उस कलेसिया में बने रहें उस कलेसिया के द्वारा परमेश्वर जो अग्नि है आपके और मेरे द्वारा पूरे संसार में फैलाएगा जहाँ पे आप और मैं हैं वो वहाँ पर वो फैलाएगा क्या आपका और मेरा जीवन जो है परमेश्वर के हाथों में देकर हम उसका उसको जो अग्नि है अपने जीवन में रोज बुलाएंगे और हमारे जीवन को चेक करेंगे आत्मा अगर बुझ गई है उसको फिर से जलाएंगे तो आइए यीशु से तैयार हैं उसे फिर से एक बार जलाने के लिए आइए प्रार्थना करें खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं आज हमारी शरीर रूपी ये जो मंदिर है प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु आपने हमें प्रकाश देने के लिए बुलाया है ज्योति देने के लिए बुलाया है और दिया जलाकर पैमाने पर खाट के नीचे नहीं रखा जाता वो दीवट पर रखा जाता है कि भीतर आने वाले को प्रकाश दे तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये दीवट जो है कलसिया उसमें आपने हमें लगाया है और हम प्रार्थना करते हैं ये ऐसे ही जलता रहे यीशु मसीह प्रकाश बनकर जो मेरे अंदर आया है अब वो जो प्रकाश हमारे अंदर डाला गया यीशु ने वो प्रकाश कभी बुझे नहीं प्रभु जी ऐसा होने दे मैं जगत की ज्योति हूं प्रभु मैं प्रकाश देने के लिए बनाया गया हूं ज्योति देने के लिए मैं बुलाया गया हूं और हम ये ज्योति जब तक मैं इस संसार में जीवित हूं तब तक मैं ये देता चला जाऊं ऐसा होने दे खुदा बाप अगर किसी कारणवश मेरा जो ये शरीर रूपी दिया जो मेरी आंख है इसके द्वारा अगर मेरा शरीर में अंधकार आया है प्रभु जी तो आज हमें क्षमा कर हम पश्चाताप करके फिर से एक बार आपकी ओर लौटते हैं प्रभु जी और मेरी आंखें अगर निर्मल है तो मेरा पूरा शरीर में उजियाला होगा और वो उजियाला लोगों के लिए जीवन बनेगा मेरे खुदा बाप
ऐसा होने दे, मेरा शरीर रूपी जीवन जो है वो अंधकार ना हो जाए। मेरी अगर आत्मा बुझ चुकी है तो प्रभु फिर से एक बार हम आपको आमंत्रित करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, फिर से एक बार आग लगा दे खुदा बाप, इसलिए कि मैं ज्योति बनकर इस संसार में जीऊं खुदा बाप, और मैं तेरी दीवट में लगा रहूं, ऐसा होने दे खुदा। मैं तेरी दीवट में लगा रहूं खुदा, ऐसा होने दे। मैं यहां वहां ना भटकू प्रभु जी, जिसके द्वारा आंधी तूफान और हवा में की चपेट में आकर मेरा दीवा बुझ जाए पिता, ऐसा ना होने पाए। मैं सुरक्षित स्थान पर जा, दिए का स्थान है दीवट, वहां पे हमेशा लगा रहूं, ऐसा होने दे खुदा बाप। मैं भरमाने ना पाऊं खुदा बाप, ऐसा होने दे। मैं ज्योति बनकर जीऊं, प्रकाश देता देता आगे चलूं, और बहुत सारे लोग मेरे जीवन को देखकर इस प्रकाश में आए, ऐसा होने दे खुदा। और आपके नाम की बड़ाई हो, ये तुझे दुआ करते हैं, हर एक महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आप बने रहें अपने घरों में, प्रार्थना करते रहें, और प्रभु आपको आशीष दे, यही हम आपसे हम दुआ करते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन आमीन आमीन।